नमस्ते दोस्तों, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। ये एक ऐसा वीडियो है जिसकी सभी राह देख रहे हैं ऑल ओवर द ग्लोब। आई ट्राई टू अपलोड इट एज अर्ली एज पॉसिबल आई कुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये शताब्दी महोत्सव अहमदाबाद में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक एक महीने का ये भव्य शताब्दी महोत्सव है। ये वीडियो में मैं आपको पूरा प्रमुख स्वामी नगर दिखाऊंगी एंड आई विल शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन इन डिटेल। आई होप यू डोंट माइंड इफ आई स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या देखने लायक है, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से मेन अट्रैक्शंस हैं, फिर क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, एवरीथिंग। सबसे पहले तो इसकी कोई एंट्री टिकट नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है गेट नंबर 7। आप यहाँ के किसी भी गेट से एंट्री ले सकते हैं। ये पूरा डे टूर है। ये वीडियो में मैंने सिर्फ डे टाइम कैप्चर किया है। यहाँ पर रात के समय पर अलग अट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि लाइट एंड साउंड शो, ग्लो गार्डन, पर ये पूरा एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए उसके लिए आई विल अपलोड अनदर वीडियो। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ये प्लेस फिजिकली विजिट नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट पूरा कैप्चर करने की कोशिश करी है, तो आपको शायद ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपने खुद ये जगह एक्सप्लोर करी है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक चीज मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ जाने का जरूर से मन करेगा, क्योंकि इतनी प्रशंसनीय ये जगह बनाई गई है, मतलब शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। दिस प्लेस इज आउट ऑफ आवर इमेजिनेशन। अब हम जा रहे हैं प्रमुख स्वामी महाराज की विशाल प्रतिमा को देखने। ये प्रतिमा की हाइट अप्रोक्स 30 फीट है। ये प्रतिमा की सराउंडिंग रियल फ्लावर्स से कवर की गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं अक्षरधाम मंदिर की तरफ। यहाँ पर भी प्रमुख स्वामी महाराज का एक बहुत ही खूबसूरत स्टैच्यू बनाया गया है। ये मंदिर एग्जैक्ट रेप्लिका है दिल्ली अक्षरधाम मंदिर का। तो अगर शायद आपने दिल्ली अक्षरधाम नहीं देखा है तो आप यहाँ पर देखकर उसका आनंद ले सकते हैं। चलिए यहाँ के स्वयं सेवक से इस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। जय स्वामी। मेरा नाम मेघराज है। मैं यहाँ पर प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव में 2 महीने की सेवा के लिए आया हूँ। यहाँ पर हमारे जैसे 50,000 से ज्यादा वॉलेंटियर्स हैं, जो यहाँ पर पूरे शताब्दी महोत्सव में सेवा करने वाले हैं। ये शताब्दी महोत्सव अहमदाबाद में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक एक महीने का ये भव्य शताब्दी महोत्सव है, जिसमें हजारों लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। यहाँ पर प्रेरणादायक प्रदर्शन खंड है, दिल्ली अक्षरधाम की भव्य प्रतिकृति है, प्रमुख स्वामी महाराज की भव्य प्रतिमा और 7 मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ पर जो प्रदर्शन खंड है उसमें से व्यसन मुक्ति की प्रेरणा मिलेगी, फैमिली वैल्यूज, परिवार में सबका आदर, इनसे सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। यहाँ पर अवर इंडिया माय इंडिया करके एक प्रदर्शन खंड भी है, जिसमें से सबको भारतीय संस्कृति और भारत देश की प्रति प्राउड फील होगा
वैसे प्रदर्शन खंड है। यहाँ पर साथ में नारी उत्कर्ष मंडप, बच्चों के लिए बाल नगरी। यहाँ पर बाल नगरी में टोटल कुल 3 प्रदर्शन खंड है, जिसमें बच्चों को स्टोरी के द्वारा या फिर एक डांस के माध्यम से बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाएगी। लाइक बच्चों को समझ में आए इस तरह से छोटी छोटी स्टोरीज में पूरा उनको ये मैसेज दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो तो भारत के स्वातंत्र्य वीरों और अपने जो राजा महाराजा थे, जो भगवान थे, जो पुराने भक्त थे, उन सभी की प्रतिमाएं लगी हुई है। और ये अक्षरधाम मंदिर है, जो भारतीय संस्कृति और भारत देश का गौरव है, वो भी यहाँ पर दर्शन के लिए है, जिसमें सभी लोग दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ बाल नगरी का संचालन छोटे छोटे बाल बालिका के द्वारा ही हो रहा है। यहाँ पर ग्लो गार्डन है, वो सिर्फ गार्डन ही नहीं परंतु जीवन की प्रेरणादायक कहानियों के आधारित पूरा बनाया हुआ है। साथ ही में रात को प्रेरणादायक लाइट एंड साउंड शो भी है, जिसका भी आप हर रोज शाम को लाभ ले सकते हो। प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन सूत्र था, इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज ऑन आर, दूसरों की भलाई में अपनी भलाई है। प्रमुख स्वामी महाराज का ये जीवन सूत्र था, इन्होंने इसी जीवन सूत्र पर पूरा जीवन जिया है, इसीलिए देश और दुनिया के सारे लोगों को प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति इतना प्रेम और आदर है। तो आप सभी को भी निवेदन है, यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव में आइए, जीवन जीने की प्रेरणा और यहाँ महोत्सव का आनंद लीजिए। जय स्वामी। अब हम आगे बढ़ते हैं बाल नगरी की तरफ। आई थिंक बेस्ट एवर प्लेस फॉर किड्स, बिलीव मी दे वुड लव टू एक्सप्लोर दिस प्लेस, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ये बाल नगरी बनाई गई है, इसका संचालन भी बालकों द्वारा ही किया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों के अलग अलग शोज रखे गए हैं, लाइव शोज, जिसमें परफॉर्मेंस भी छोटे छोटे बाल बालिका द्वारा ही किया जाता है। बस एक चीज है कि भीड़ बहुत ही ज्यादा होती है, एक शो चलता 20 से 25 मिनट के लिए है, पर उसके लिए कतार में शायद 1-2 घंटे भी खड़ा रहना पड़ सकता है। पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये इंतजार करना वर्थ है, क्योंकि जो शो दिखाया जाता है अंदर, दैट इज अनबिलीवेबल। हर शो या तो कोई हिस्ट्री पे है या फिर बच्चों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे, ऐसे हैं, मतलब काफी मीनिंगफुल है। शताब्दी महोत्सव विजिट करने का समय है दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, मंडे टू सैटरडे, और संडे के दिन इट विल बी ओपन टू द पब्लिक थ्रू आउट द डे। प्रमुख स्वामी महाराज का जो गांव था, जहां उनका जन्म हुआ था, उसका नाम था चांसद। उस जगह से जुड़ी बहुत सारी प्रकृति यहां पर बनाई गई है, जिसमें वो जहां रहते थे, जहां उन्होंने पढ़ाई की थी, वो सारी जगहों की रेप्लिका बनाई गई है। उनका बचपन का नाम था शांतिलाल, और यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे बहुत ही खूबसूरती से उनकी कहानी हमसे शेयर करते हैं। નમસ્તે બાળ મિત્રો, હું છું ગાય માતા। આજે હું તમને શાંતિલાલ ની એક સરસ મજાની વાત કરીશ। શું તમે જાણો છો, પિતાના કહેવાથી શાંતિલાલ ગાયો ભેંસો ચરાવવા રજાના દિવસે વિશ્વામિત્રી નદીના કિનારે જતા હતા। ગાયો ચરાવવા જાય ત્યાં બીજા બાળકો પશુઓ ઉપર સવારી કરે, પૂંછડા વાળે, દોડાવે, ઘણા તો પશુઓને મારે પણ ખરા। આ બધું શાંતિલાલ જોઈ ન શકતા, કારણ તેમને દરેક પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે દયા હતી। તેઓ તોફાની બાળકોને મૂંગા પશુઓ સાથે આવું ન કરવા સમજાવતા। જય સ્વામિનારાયણ। બીએપીએસ ની આ બાળ નગરીમાં શાંતિધામ ચારસદમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો બાપાનું નામ હતું શાંતિલાલ, તો ચાલો તેમના જ પ્રસંગો દ્વારા તેમને વધારે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ। તો તમે બધા તૈયાર છો ને? તો જુઓ, આ છે ચારસદ ગામનું સ્વામિનારાયણ મંદિર। આ એ જ મંદિર છે
ત્યાં શાંતિલાલ દરરોજ દર્શન કરવા પૂજા કરવા અને આરતી કરવા આવતા હતા. અત્યારે પણ આરતીનો ટાઈમ થઈ જ ગયો છે અને શાંતિલાલ પણ અહીંયા જ છે. પરંતુ શાંતિલાલ આ શું કરી રહ્યા છે તમારે બધાને જાણવું છે. તો ચાલો આ પ્રસંગના સાક્ષી એવા ચક્કીબેન પાસેથી જાણીએ. ચક્કીબેન ચક્કીબેન ક્યાં છો, જલ્દી આવો અને આ બધાને પ્રસંગ સમજાવો. નમસ્તે બાળ મિત્રો, હું છું ચકલી. તમને ખબર છે મે નરોજ સ્વાગત છે પ્રમુખ સામે. મારા તો બાળપણનું નામ હતું શાંતિલાલ. તો ચાલો તેમના પ્રસંગો દ્વારા તેમને જાણવાનો પ્રયત્ન. હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું, તમને શું શું ભાવ છે બોલો બોલો. દાબેલી, વડાપાવ, પિસ્તા, બર્ગર એ બધું ભાવ ને કેમ? બરાબર ને, આ બધું કોઈ આપણને આપે એ પણ પ્રેમો આપણે છૂટીએ ખરા. બરાબર, બાળકો તો જો પકવાનો પર ક્યાં તૂટી પડ્યા છે, પણ શાંતિલાલ કેમ કઈ જમતા નથી, તેમની જોડે કોણ હતું છે? તો ચાલો આ બધા પ્રશ્નો જવાબ આપણે જાણી લે. પકવાનો ની વાત આ ઉંદરભાઈ નામે બને ગાવિકા પણ શાંતિલાલ તો એકદમ અલગ. ખબર છે કેમ? સાંભળો, એક વાર શાંતિલાલ થોડા મહિનાઓ માટે બાજુના ગામ રાજનગર માં ગયા હતા. નમસ્તે બાળ મિત્રો, હું છું સસલું, ચતુર સસલું. પૂછો કેમ? સાંભળો, ચારસદ ગામ માં ફક્ત 5 ધોરણ સુધીની સ્કૂલની જ વ્યવસ્થા હતી. 6ઠા ધોરણ માટે ભણવા ક્યાં જવું? पूरे नगर में सबसे ज्यादा भीड़ एक ये बाल नगरी में होती है और एक ग्लो गार्डन में. पूरे दिन में रोजाना 1.5 टू 2 लाख पीपल विजिट करते हैं ये प्लेस. जस्ट इमेजिन. ये जो ग्लो गार्डन है इसका असली मज़ा तो रात को देखने में है, क्योंकि ये पूरा लाइटिंग से बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है. पर जैसे कि आप सब जानते हैं ये हमारा डे टूर है, तो मैंने सोचा क्यों ना ग्लो गार्डन दिन में कैसा दिखता है वो भी बताया जाए. इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर जितनी भी प्रतिमाएँ हैं वो सारी कुछ ना कुछ मैसेज देती है.
आइदर वो कोई स्टोरी पे डिपेंड करती है या फिर कुछ सीख देती है. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. और यहाँ पर जो लोग सेवा करते हैं उन्हें सच में मेरा कोटि कोटि वंदन, क्योंकि जो डेडिकेशन के साथ वो लोग यहाँ पर फ्री में सेवा कर रहे हैं दैट इज कमेंडेबल. ये कुछ स्पेशल तरीके के फ्लावर्स एंड लीव्स हैं. ये लीव 40-50 केजी वेट बेयर कर सकते हैं. आप जैसे देख सकते हैं कि ये लीफ पे स्वामीनारायण भगवान की प्रतिमा रखी हुई है, फिर भी तैर रहे हैं ये पानी के ऊपर. यहाँ पर तरह तरह के शोज भी होते हैं, जिसमें एक है सहजानंद ज्योति मंडपम, फिर भारतीय लोक नृत्य मंच, उसके बाद यहाँ पर है अवर इंडिया माई इंडिया, और फोर्थ शो है चलो तोड़ दीजिए बंधन. काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सारे शोज़ देखना. ये है बहुत ही ह्यूज नारायण सभागृह. ये है एक स्टोर जहाँ से आप अपने लिए टी शर्ट्स हैं, फिर प्रमुख स्वामी महाराज की तस्वीरें, फिर कुछ किताबें, ऐसा सब खरीद सकते हैं. प्रेमवती प्रसादम ये एक तरीके का फूड स्टॉल ही है, और इनके बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं अंदर, जहाँ पर आपको हर तरीके का नाश्ता और खाना मिल जाएगा, और वो भी बहुत रिजनेबल रेट में मिलेगा. यहाँ पर पीने के पानी के लिए ऐसे जगह जगह पे टेंट लगे हुए हैं, आप अपनी बॉटल भी रिफिल करवा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अंदर ATM, एम्बुलेंस, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, ब्लड डोनेशन कैंप, ये सारा कुछ अवेलेबल है. और जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि ये नगर काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर चलना बहुत पड़ सकता है, तो उसके लिए वेयर कंफर्टेबल फुटवेयर. बाहर की तरफ पार्किंग के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा करी हुई है. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में, जो कि होगा शताब्दी महोत्सव का ग्लो गार्डन. अगर आप वो वीडियो भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें.